हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत, गैर मुल्की गवाहों का वीडियो लिंक के जरिए बयान कलम बंद करने की दरखास्त पर फैसला महफूज, आज ही सुनाया जाएगा। बाईस करोड़ आवाम के ऊपर एक JIT जिसको मैं एक दरे का जिरगा कहूंगा, वो लोग बैठे थे जो खुद इस अदालत को मतलूब है, उनकी रिपोर्ट पे 22 करोड़ का नुमाइंदा वोट का तकदस पामाल हो रहा है। वीडियो लिंक नहीं मानते, कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने एतराज उठा दिया। हुकूमत हमारी, लेकिन जैसे हमारे हाथ बंधे थे ऐसे तो कब्र में भी नहीं बंधे होते। सहाफियों से गुफ्तगू। सूबाई वजीर मीर हजार खान विजरानी ने अहलिया को कत्ल करके खुदकुशी की, जाय बकुआ से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। DIG साउथ का मौके, मियां बीवी में नाचाकी चल रही थी, मुलाजमीन का बयान। PP रहनुमा की मैयत आबाई इलाके करमपुर मुंतकिल, नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बीवी को कराची में सुपुर्द खाक करने का फैसला। कंदकोट, कश्मोर और जैकबाबाद में कारोबार दूसरे रोज भी बंद। ये एहतजाज लड़कों की रिहाई तक जारी रहेगा और जब तक हमें धमकियां मिलती रहेंगी, हम मरने के लिए तैयार हैं, हम चलना चाहते हैं, मारो हमें, हम अपने लोगों को लेके जाएंगे। इतनी आवाम खड़ी है, अगर एक बंदा अपनी ईमानदारी से कहे कि जी पाकिस्तान में ये ऐसा महकमा है जिसमें इसमें भी करप्शन है तो हम लोग वापस चले जाएंगे। वकला से झगड़े का मामला तूल पकड़ गया, तो जामवाला में रेस्क्यू अहलकारों ने सर्विस मुकम्मल बंद कर दी। चंदा कला बाईपास पर धरना, गाड़ियों की तवील कतारें लगे। की गिरफ्तारी कराची पुलिस के लिए चैलेंज, हसास इदारे मुतहर्रिक। जिला मलीर में साबिक SSP के घर पर छापे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बेहिश माशरे का एक और भयानक रूप, फैसलाबाद में दरिंदे ने 5 साल बच्चे से मुबैना ज्यादती के बाद गला काट दिया। अस्पताल में हालत तश्वीशनाक, CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई। रोज गुजर गए लेकिन मर्दान की अस्मा के मुलजिम कानून की पकड़ में न आ सके। GIT की मशकूक अफराद से पूछताछ, 243 अफराद के नमूने क्रॉस मैचिंग के लिए भिजवा दिए गए। आसमा कत्ल के मुल्जिम सादिक की अदालत पेशी, मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। मुजाहिदुल्लाह अफरीदी की गिरफ्तारी के लिए सऊदी अरब हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया गया। सेनेट इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान आज होगा। फाटा और इस्लामाबाद इलेक्शन एक्ट की तौसी नहीं हो सकी, दोनों इलाकों के हवाले से ताखीर हो सकती है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर समाअत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक, वजारत पेट्रोलियम, खजाना और ओग्रा को नोटिस जारी कर दिया।
एक हफ्ते में जवाब जमा कराने का हुक्म। पिशावर में जालसाज धड़ाधड़ जाली नोट छापते रहे, दो नंबरी पुलिस के रेडार पर आई तो पकड़े गए, 1 करोड़ रुपए से जायद जाली करेंसी बरामद, 4 मुल्जिम गिरफ्तार। मकबूजा वादी में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी, शुपिया में शेलिंग से जख्मी होने वाला 10 साल बच्चा दम तोड़ गया, नमाज जनाजा में हजारों अफराद की शिरकत, नमाज जुमा के बाद मार्च का ऐलान। लहरें, तेज हवा और सख्त हरीफ, कराची में कश्ती रानी के जानदार मुकाबले, लड़कों और लड़कियों ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। का रोग लग गया, अडियाला जेल में निहाल हाशमी को दिल की तकलीफ, निहाल हाशमी को रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। निहाल हाशमी जिन्हें कल हिरासत में लिया गया था, 1 माह की कैद सुनाई गई थी, तौहीन अदालत केस में उन्हें 1 माह कैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई थी, उन्हें हिरासत में लिया गया और अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। अभी खबर यह आ रही है कि अडियाला जेल जाते ही दिल का रोग लग गया, अडियाला जेल में निहाल हाशमी को दिल की तकलीफ महसूस हुई है और निहाल हाशमी को रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया है। कल ही तोहीन अदालत केस में निहाल हाशमी को अदालत की जानिब से सजा सुनाई गई थी और आज उनको दिल का रोग लग गया है। जेल में निहाल हाशमी को दिल की तकलीफ के बायस रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। उनकी हालत से मुतालिक जान लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज अदनान मुख्तार से। अदनान बताइएगा, निहाल हाशमी की हालत अब कैसी है? देखिए, बिल्कुल मुस्लिम लीग नून के जो साबिक रहनुमा जिनको तोहीन अदालत केस में अडियाला जेल में मुंतकिल किया गया था, उनको रात से ही बताया जा रहा है हमारे जेल के जो जराए अडियाला जेल के कि उनकी तबीयत खासी नासाज थी। उनको पहले इब्तदाई तिबी इमदाद जेल के अस्पताल में दी गई है और इस वक्त उनको कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल रावलपिंडी के मुंतकिल किया गया, जहाँ पे उनको कुछ तिबी इमदाद दी जा रही है। लेकिन जो हमारे डॉक्टर्स जो इस टीम में शामिल है उनके उनसे बातचीत हुई है, उनका ये कहना है कि उनकी हालत कदरे बेहतर है और कोई ऐसी तशवीशनाक सूरत हाल नहीं है, उनको कुछ ही देर में दोबारा जेल में मुंतकिल करने का दोबारा जो है वो इम्कान है। जी ठीक है। ना ये भी बताएगा कि क्या पहले भी कोई इस किस्म की शिकायत रही है निहाल हाशमी को? देखिए, बिल्कुल इस वक्त डॉक्टर की टीम मुआयना कर रही है और उनकी जो पुरानी रिपोर्ट्स हैं वो भी उनके जो है वो तलब की गई हैं और ये चेक किया जा रहा है कि क्या उनको पहले से ही कहीं दिल का आर्जा तो नहीं है या उनको दिगत वाम से, क्योंकि जब भी मेडिकल जो जब भी जेल में मुंतकिल किया जाता है उससे पहले ठीक है उनका मुआयना किया जा रहा है रावलपिंडी कार्डियोलॉजी सेंटर में। अदनान मुख्तार, शुक्रिया अपडेट करने का। आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे गुजरावाला का, जहां पे रेस्क्यू अहलकारों और वकला का तनाजा इस वक्त शिद्दत अख्तियार कर गया है। रेस्क्यू अहलकारों ने रेस्क्यू सर्विस को भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और एहतजाज किया जा रहा है। चांदा कला बाईपास पर एहतजाज जारी है, जीटी रोड पर गाड़ियों की रवानी भी मुतासर है, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई है और शहरियों के लिए भी परेशानी का बायस बन चुकी है। वकला के दबाव पर रेस्क्यू अहलकारों पर अगवा का झूठा मुकदमा भी बनाया गया है, तर्जुमान रेस्क्यू का ऐसा बताना है। जी हाँ, रेस्क्यू अहलकारों और वकला का यह तनाजा है जो कि शिद्दत इख्तियार कर चुका है और रेस्क्यू अहलकारों ने रेस्क्यू सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज फहद बशीर से। फहद बशीर बताइएगा, आप देख सकते हैं कि पुलिस अफसरान यहां पर पहुंचे हैं, क्या कोई मुताकरात हो सके? आज बिल्कुल इस वक्त जो है एसएसपी ऑपरेशन की निगरानी में पुलिस की बारी नफरी जो है वो इस जगह पर पहुंची है। एसएसपी ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू अहलकारों से मुजाकरात कर रहे हैं, लेकिन जो रेस्क्यू अहलकार हैं वो इस बात पर बजिद हैं कि जब तक उनके जो गिरफ्तार साथी हैं अहलकार हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, उनका जो है धरना ख़त्म नहीं होगा, वो यहाँ पर बैठे रहेंगे। इस वक्त गुजरावाला ज़िला में जो रेस्क्यू की सर्विस है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। रेस्क्यू अहलकारों ने जीटी रोड चंदा किला बाईपास के चारों अतराफ में जो व्हीकल्स हैं, एम्बुलेंसेज हैं, फायर फाइटिंग वाली जो गाड़ियां हैं वो खड़ी कर रोड को चारों तरफ से बंद किया हुआ है, जिसके बाद लाहौर से गुजरावाला और रावलपिंडी की तरफ जाने वाली जो शाहराह है मुकम्मल तौर पर बंद है। जीटी रोड पर गाड़ियों की जो है एक लंबी कतारें जो है वो लगी हुई हैं। रेस्क्यू अहलकार यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिली इंतजामिया असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर पहुंचे, एसएसपी ऑपरेशन भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन रेस्क्यू अहलकार उनसे मुजाकरात नहीं कर रहे। उनका यह कहना है कि हमारे जो साथी हैं उन पर झूठे मुकदमा
मुकदमा दर्ज किए गए, वकला ने भी इनको मारा लेकिन उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। रेस्क्यू अहलकारों के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद कर दिया गया है, जिस पर वो यहाँ पर सरापा एहतजाज है और ये कहा जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। फाद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं जहां पर बच्चे से मुबैना बदफेली और गला काटने के केस में पेशरफ्त हुई है। बच्चे के अगवाकार की सीसीटीवी फुटेज दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली है। 5 साल के साइम को घर के बाहर खेलते हुए अगवा किया गया। अगवाकार ने बच्चे को मुबैना